तो हेलो मेरी मार्तिक मर के हरामी चंदा, कैसे हो तुम लोग? साला गाली किसको जाता है? देखो गाली ये तुम्हें नहीं दे रहा हूँ मैं, ये गाली मैं दे रहा हूँ, ये गाली नहीं है, ये मेरे इमोशंस है तुम लोगों के लिए, ठीक है? समझ रहे हो? मतलब तुम मेरी जनता हो यार, तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम लोग हरामी ही होगे, तुम लोग सीधे भोले नहीं हो सकते, मेरी ऑडियंस कभी भोली नहीं होती, ठीक है? ठीक है। तो भाई यार आज हम एक ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जो तुम लोगों को बहुत ही पसंद आया था, मतलब तुम लोगों को बहुत पसंद आया था, उस पर व्यूज भी अच्छे गए थे, वो गेम जिसे खेलने पे अच्छों की फट जाती है, वो गेम जिसमें माँ और बेटे का एक अटूट संबंध दिखाया गया है, वो गेम जिसमें मम्मी सिर्फ बच्चे को एक चम्मच केक खिलाती है, वो गेम जहाँ पे एक चूतिया सा टेडी बेयर भी बोलता है, वो गेम जहाँ पे 2 साल का बच्चा फैनचोद पार्कोर करता है, वो गेम जिसे खेलने के बाद मेरी इतनी गंदी फटी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमंग द स्लीप की। मैंने इतना बिल्डअप क्यों दिया भाई? तुम लोगों ने टाइटल थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। तो जैसा कि तुम लोगों को याद ही होगा, कि वैसे तुम लोगों को कैसे याद होगा, मैंने वो वीडियो 4000 साल पहले डाली थी यार, पता नहीं यार कितना टाइम हो गया उसको, लेकिन यार गाइस मैं तब भी तुम लोगों को जल्दी से एक प्रीकैप देता हूं। तो जैसा कि तुम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा बर्थडे था और हमारी मम्मी हमारे लिए केक बना के लाई थी, और जो कि उन्होंने सिर्फ हमें एक चम्मच खिलाया, लेकिन तभी दरवाजे पे खटकी एक आवाज, दरवाजा तोड़, और जब मम्मी दरवाजा खोलने गई तब एकदम से भूकंप आने लगा। वो और किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन बस हमें ही दिखाई दिया, क्योंकि मम्मी को कुछ फील ही नहीं हुआ। उसके बाद जब मम्मी वापस आई तो उनके हाथ में था एक डिब्बा जिसमें क्या था वो हमें नहीं मालूम, और मम्मी ने हमें बाकी का केक भी नहीं खिलाया, भाई एक चम्मच केक खिला के हमें वापस हमारे रूम में ले गई, लेकिन पीछे से चलता आ रहा था अंधेरा, जिसे देख के मेरी फट रही थी गंदी वाली, और मम्मी ने ले जाके फेंक दिया हमें हमारे प्लेइंग एरिया में, जो कि पता नहीं क्या कैसा सही था, और हमारा गिफ्ट का डिब्बा ले जाके रख दिया टेबल पे, और हम 2 साल के बच्चे पार्कोर करके कैसे ना कैसे टेबल पे चढ़ के उस डब्बे के पास पहुंचे, और उस डब्बे में वो टेडी था ही नहीं, वो टेडी गायब था। उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर ढूंढा और जाके हमें मिला टेडी, सोचो कहां, हाँ एक लकड़ी के बक्से में। फेंचो मेरे को एक बात बताओ, 2 साल के बच्चे के कमरे में लकड़ी का बक्सा क्या कर रहा है, वो भी खाली। खैर उसके बाद उस टेडी ने काफी बकचोदी करी, हमारे टॉयज के साथ खेला, हमारी बुक पढ़ी, और उसके बाद हमारी गोदी में चढ़ के हमें ले गया हमारे कबर्ड के अंदर, और फेंचो वो कबर्ड ना हो गई, ऑगी का घर हो गया साला। इतनी बड़ी कबर्ड उसके अंदर मैं खो गया भाई, अलग अलग आवाजें आ रही हैं, चुतियापा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन फिर वहां जब मेरी गंदी वाली फटी, मैं वापस आया, मैंने अपनी मम्मी को देखा, मम्मी ने मुझे देखा, मम्मी ने उठा के मेरे को बेड पे फेंक दिया, टेडी भी मेरे साथ सोया, और अभी तक मुझे लग रहा था कि सिर्फ भूत टेडी में ही है, लेकिन रात में कोई टेडी को ही उठा के ले गया। उसके बाद कोई हमें भी घसीटता हुआ किसी ने हमारी वो जो बेड था पालकी जिसे कह सकते हो यार तुम लोग, वो गिरा दिया, और हम जाके पहुंचे उस रूम में जहाँ पे टेडी की आवाज आ रही थी। हाँ, वो वॉशिंग मशीन में किसी ने उसको धुलने के लिए धर दिया। पहले मुझे लगा कि ये मम्मी की हरकत है, क्योंकि भाई ऐसी चीजें वही करती हैं, मम्मियाँ ही करती हैं ये सब ज्यादातर, लेकिन फिर उसने बोला कि हमें मम्मी को बचाना पड़ेगा। जी हाँ, ये सुन के मेरी बड़ी गंदी फटी कि मेरी मम्मी को क्या हुआ भैंचो, और फिर मैं गया अपनी मम्मी को बचाने। जैसे तैसे रास्ते में हमें दिखा एक भूत, इसकी माँ की, और उसे देख के मेरी इतनी गंदी फटी ना, मैं बता रहा हूँ मेरा आगे जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं गया। मैं जैसे तैसे पार्कोर करते हुए फिर से मम्मी के रूम में पहुंचा, और मम्मी आराम से सो रही थी ब्लैंकेट ओढ़ के, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया, मम्मी वहां थी नहीं, ब्लैंकेट भैंचो हवा में उड़ रहा है, और उसके बाद फिर से एंटर करता है वो भूत सीमा की। उसके बाद हम भगते हो जाते हैं किचन एरिया से लिविंग रूम की तरफ, और वहां पे हमें साक्षात, अभी तक थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, लेकिन इस बार साक्षात पूरा जिंदा साबुत का साबुत दिखता है भूत इसकी माँ की।
और उसके बाद हमें जाते हुए दिखता है बेसमेंट का रास्ता जिसका गेट खुला हुआ था, और हम उस गेट में घुस के मम्मी को देखते हैं। लेकिन वो मम्मी नहीं थी, वो एक इमेजिनेशन थी या कुछ क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मम्मी नहीं थी। उनके पास था एक लॉकेट जो की थी उनकी एक मेमोरी, जिसे लेके हम गए एक स्लाइड में, और वो स्लाइड लेके गई हमें एक नेदर पोर्टल में जहाँ पे था एक घर। मुझे नहीं पता वो घर किसका था, कहाँ से आया, कैसे था, क्यों था, किस लिए था, किसने बनाया, क्यों है वो, क्या जगह है, वो मुझे नहीं पता, बस था। तो वहाँ जब हम गए तो टेडी ने हमें बताया कि उस वहाँ पे एक मशीन है जिसमें हमें मेमोरीज डालनी है चार, और हमारे पास थी एक, तो वहाँ पे हमने एक मेमोरी डाली, दोनों बटनों को एक साथ दबाया और एक और दुनिया का पोर्टल खुला, और अब हमें उस दुनिया में भी जाके शायद कोई ना कोई मेमोरी लेनी है। तो अब 6-7 मिनट का ये वीडियो जो हो चुका है सिर्फ समरी में, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं उसी दुनिया में। ओके गाइस, तो गेम चालू हो चुकी है। भाई मेरे को इतना पता होता है यार, प्रेस एनी की टू एनी की कहाँ है, कर रहा हूँ भाई गाली मत देना मेरे को। ओके गाइस, तो हम Where are we? ये आवाज सुन रहे हो गाइस, ये आवाज इसी चूतिये की है, ये टेडी, ये पूछ रहा है वेयर आर वी। अबे तो थोड़ा सा बहन का नहीं, मतलब मैं इसके साथ अभी आया हूँ भाई, मैं 2 साल का हूँ, मेरे से क्या पूछ रहा है, तू है जादू टट्टा, तू बता ना। खैर और एक मिनट, इससे लाइट निकल ली है, कुछ भी चल रहा भाई दुनिया में। तो गाइजर स्लाइड से हम अंदर आ तो चुके हैं, और मेरे ख्याल से टेडी को मुझे हक कर लेना चाहिए। हाँ इसके अंदर जादुई ताकत है बहन, जो पता नहीं कौन सी ड्यूरासेल की बैटरी लेके पैदा हुआ है ये, इसकी बैटरी खत्म ही नहीं होती, इसको जितनी जोर से हक करो उतनी जोर से साला लाइट फेंकता है। और अभी हमें क्रॉल करते हुए जाना पड़ेगा भाई, क्या प्यारी जगह है, मतलब स्पूकी है काफी, बट यार फिर भी एक बार देखो ना भाई, मेरे को गूज़बम्स आ गए जगह देख के, क्या ही प्यारी जगह यार। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी भागते हैं अपन। ओके तो मैं यहाँ पे चढ़ तो चुका हूँ, और अभी यहाँ से भागते हुए हमें जाना है, ये क्या रैप्ड फॉरेस्ट आ गया क्या भाई, गैस की पाइपलाइन जा रही है वे, अरे है ये क्या है, उल्लू, दिल उल्लू का पत्ता है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं नहीं बताऊंगा, इसे उठाते हैं और ओके ओके भाई साहब, तो इधर का रास्ता खुल चुका है इस साइड का, तो हमें इधर ही जाना, बायोम चेंज हो गई भाई, भाई पीछे भी भाई, क्या प्यारी तो हो रखी थी, अब क्या क्या भाई, क्या दिक्कत हो गई। और भाई तुम लोग एक बात बताओ, मतलब तुमको एक हॉरर गेम खेलने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा लगता है, दिन का टाइम, क्योंकि उस टाइम तुम्हारी फटती नहीं है राइट, लेकिन मैं नहीं, तू बोल ले, नहीं मैं तो बोल ही नहीं रहा, तू बोल ले पहले। हाँ तो तुम लोग कितने बजे खेलोगे, या शाम को या रात को थोड़ा जल्दी, या दिन में या सुबह, जिसे तुम्हारी कम फटे। भाई मैं खेल रहा हूँ रात में 1 बजे। लेकिन भैया आपने तो टाइटल में 3 AM लेकर रखा है। देखो गाइस 3 AM लेकिन व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है, ठीक है, और स्पूकी भी ज्यादा लगता है थोड़ा। Oh my God! अभी यहाँ से मैं जाऊँ जैसे नीचे कूद के। ओके तो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ भाई प्रॉपर। अरे क्या भाई, लालिमा लालिमा मर गया मादर चोट लाला। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ भाई, आराम से बे, बच्चे की फाड़ने की फिराक में ये भाई, एकदम से स्लाइड, ठीक है भाई। Is there a way up this tower? हाँ वो तो है, बट यहाँ पे एक और उल्लू है बे। दिल उल्लू का पत्ता है। Use tab to view your memories. उल्लू से किसी की क्या ही मेमोरीज हो सकती हैं? और ये क्या इडली बनाने का साचा है? अबे साले। अच्छा उल्लू लगेंगे यहाँ पे। ओके नाइस। तो अभी हमें 1, 2, 3 बहुत बढ़िया। अब हमें 4 उल्लू और चाहिए। नाइस भाई नाइस। भाई बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। और यहाँ पे साइकिल पड़ी है, मैं साइकिल चला सकता हूँ? प्लीज बोल दो हाँ, उनको साइकिल चलाना बहुत पसंद है, प्लीज। भाई भाई यार नहीं चला सकते साइकिल।
इधर जाने का कोई रास्ता? वेट अ मिनट, झोपड़ी नहीं, झोपड़ी। गाइस यार अब तुम सोचो, ऐसे माहौल में, ये जो माहौल है ऐसे माहौल में, रात का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, हॉरर माहौल है पूरा, लाइट मैंने बंद कर रखी है, और ऐसे टाइम पे अगर कोई तुम्हें बोले कि इस झोपड़ी के अंदर जाओ, तो क्या तुम जाओगे? भाई मैं तो नहीं जा रहा यार। ओके तो ये उल्लू उठा लेते हैं। अबे साले, देखो गाइस, क्या करता है रे तेरी तो? अच्छा क्या हो गया? ओए डैडी, इसकी माँ को ये क्या हो रहा है? मुझे अपने घर जाना है। गाइस ये फिर से वैसा ही भूकंप आ रहा है बे। व्हाट द, वी शुड बी केयरफुल। अबे शांत रह साले, भाई सुन लेगा कोई, भाई किसी ने तो ये दरवाजा खोला है और फिर से ये बायोम चेंज हो गई है। भाई फटी पड़ी है बे मेरी, ये गन फट गया। भाई वो बंदा क्या था, कौन था भाई? ताला खोला भाई किसी ने आके इसका, और ये अपने आप बंद कैसे हुआ भाई? मे क्या हुआ, ये कैसे खोला भाई? ठीक है यार, मरवाने के लिए मैं बैठा ही हूँ तो मरवा ही लेते हैं दोबारा ही। अरे शांत रह ले। ओके आराम से, आराम से। तो गाइस यहाँ पे एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। गाइस यहाँ पे 2 रास्ते हैं, तो हमें किस पे जाना चाहिए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। इस पे आया भाई फी, तो मतलब कायदे से देखा जाए तो इधर, इधर से ज्यादा नजदीक ये हुआ ना, तो इस पे आया फी, तो कायदे से अपन इस पे चलेंगे। साले तू भाई मेरे गरीब था। ये बॉल कहां से आई? देखो बकचोदी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अबे कौन से सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे, कैसे चल रहा है ये? इसको हटाना है, और ये टायर है, तो ये अंधा भी देख के बता देगा कि क्या करना है इसका। क्या चूतिया है यार गेम डेवलपर, कुछ तो डिफिकल्ट बनाता। और ये एक बार में खोल दिया भाई तुम्हारे भाई ने। और इसके अंदर क्या है? ऑब्वियसली एक और उल्लू, दिल उल्लू का पत्ता है। अबे खुल गया, ये क्या है? अबे गायब हो गई वो पेंटिंग, थी मेरी गायब हो गई। ओके मतलब मेरी पेंटिंग नहीं थी, मेरी बनाई हुई पेंटिंग थी। अब ये क्यों हिला बे, ये कैसे हिल रहा है? ओके गाइस तो अभी मैंने देखा कि इधर भी एक रास्ता जा रहा है, और वेट डिब्बे के पीछे कुछ है, लाइट आ रही है उधर से, तो उठो जरा, उठिए बेटा। हाँ गाइस लाइट तो आ रही है उधर से, पक्का कुछ है भाई इतने आराम से, ये पक्का 2 साल का है ना? अबे ये रिटर्न ऑफ हनुमान का बच्चा तो नहीं है, इतनी ताकत। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। हैं? अभी मैं वहां से वापस होके आया और इधर ये रास्ता कहाँ से आया बे? ओके जय श्री राम, कूदो बहन चोद। अबे शांत रह ले, 1 मिनट बता रहा हूँ, कुत्ता भर दूंगा तेरा मैं। ओके भाई साहब, वे फट गई भी मेरी, फाड़ दी। और एक तो जाना कहाँ पे भाई साहब, क्या जगह है ये? अबे हाँ यार ये तो नहीं, उतनी देर से मैंने क्या करके रखा है भाई, गेम वाले भी नशे करके बैठे हुए हैं। 1 मिनट वहाँ पे एक और उल्लू है, दिल उल्लू का पत्ता है। बहन चुत क्या जगह पे, मैं भाई मैं तो गिर जाऊंगा। मिनट नहीं ना,
ना राम 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 पीछे 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 बच गया। क्यों लग रहा है ये रास्ता अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है। ओके गाइस तो शायद ये वही जगह है, यहाँ पे पक्का भूत मिलने वाला है। लिख के ले लो तुम लोग मेरे से, भाग जाए यहाँ से, खुल जाओ। ए भाई फिर से ये कुछ तो चेंजमेंट हुआ है। ये इधर देखो, ये स्पार्कल्स पहले नहीं थे यार, ये चीटिंग है यार। मैं ऐसे मैं नहीं खेल रहा। हाँ गाइस ये एक लेफ्ट में रास्ता बचा था ना, हमें शायद यहाँ जाना है। अब ये रास्ता तो इधर फिर से बंद है, इसके ऊपर चढ़ना है क्या? ये देख रहे हो 2 साल का है ये चूतिया। ये भी ले लिया मैंने, देखो मेरी फट रही है बहुत गंदी वाली। मैं बता रहा हूँ मेरे को नहीं खेलनी आ रही है गेम, तो रहन दो फिर। लेकिन क्या करे यार, व्यूज के लिए करना पड़ता है। अब आए ना लाइन पे। ओ, 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 ओ। अबे भोसड़ी वालों 1:30 बज रहे हैं रात के, आराम से डरा रहे वे। इधर से जाना था, इधर से ना भाई मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। मेरे को क्यों लग रहा है इधर भी कुछ नौटंकी होने वाली है। प्लीज जल्दी से वो हाँ लग जाए इसमें, जो भी है ये इडली का सांचा जो भी है ये इसमें लग जा। और अभी यहाँ से किधर पार्कोर करना है क्या? अच्छा इधर है जगह। भाई साला बच्चा पार्कोर कर रहा है वे, स्टीव का 23 साल माइनक्राफ्ट का। भाई बैठ जाओ यार, पता चल चला चलते में ऊपर से नीचे गिर गए, भूत चाचा ने दर्शन दे दिए फिर से। वैसे गाइस अपन अब इस प्लेग्राउंड के ऊपर है, तो क्यों ना एक बार नीचे को मुंडी करके देख लिया जाए कि वो भूत चाचा तो नहीं है आस पास प्लेग्राउंड में। ये कबर नाइस। और एक मिनट भाई, अरे कितना प्यारा लग रहा है यार, काश ऐसी कोई चीज माइनक्राफ्ट में होती। आराम से बेटा, अरे बच्चे को क्या हो गया, अलग ही दौड़े पड़ रहे हैं इसे। और गाइस मेरे ख्याल से हम फिर से जा रहे हैं अपनी मम्मी की मेमोरी के पास। अगर तुम लोगों को याद है तो पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रास्ता भाई रास्ता। अबे यू वांट टू हियर द मेलोडी अगेन? ऑल राइट वन मोर टाइम, देन इट्स टाइम फॉर बेड। ये देख रहे हो मम्मी की शक्ल भाई, कतई म्यू म्यू बना रखी है बे मम्मी। म्यूटू है वेरिएंट है बे मम्मी का ये। अबे मम्मी गायब, झूला भी गायब, और इधर कुछ है, इधर कुछ क्यों ही होगा। और यहाँ से एक ब्रिज फिर से, वेट अ मिनट भाई, म्यूजिकल ब्रिज है ये। ओह नाइस, भागो यहाँ से जल्दी भागो। अच्छा नहीं वैसे जल्दी तो क्रॉल ही कर सकते हैं अपन। अबे मम्मी की आवाज, वी मस्ट बी गेटिंग क्लोजर। भाई क्या क्या चूती है, बोले घूरों में कुछ बोलने भी नहीं देता शादी से। तो गाय इधर देखो, ये मम्मी की मेरे को लोरी की आवाज दोबारा से आ रही है, तो शायद हम मम्मी के पास पहुंचे। लेट्स सी, 1 2 3 एंड गो। और ये पैस की पार्टनर से लगा बैक। तू मेरे को बोलने नहीं देगा ना है? तू रुक साले, तू रुक। और ये अब दिख रहा है साले उस टाइम प्लेग्राउंड में पूरा टाइम जब मैं हराम खोर अकेला था, मेरी फट रही थी तब तो तू दिखा नहीं। अभी ये नेदर पोर्टल में वापस आ गया साले, चूते से मारूंगा तेरे को मैं। मेमोरी तो मेरे पास ये रही, और अभी इसके अंदर मेमोरी डाल दो, डाल दे बेटा। ओके और ये भाई जादू की दुनिया की चीज़ है ये, कोई ये यहाँ की तो नहीं है, क्योंकि भाई हवा में कैसे चीज़ फ्लोट कर रही है, ग्रेविटी नाम की चीज़ नहीं है भाई। क्या फ़ायदा मेरा साइंस लेने का। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुल रहा है।
भाई मम्मी की लोरी और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी है अभी। चलो भाई जल्दी से चलते हैं मम्मी को। तो दो कदम खुद से नहीं चल सकता क्या? हर जगह तेरे को मैं उठाऊं? किसी काम का नहीं है साला। ओके गाइस तो अभी चलते जल्दी से मम्मी की एक और मेमोरी लेने। लेकिन ना 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 अभी कैसे भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं यार हम शेडो में। गाइस यार देखो आज की इस वीडियो में इतना ही। वैसे भी ये वीडियो लंबी तो हो ही गई है। हाँ हो जाती है यार कभी कभी। हाँ मतलब हमेशा ही हो जाती है। बट यार ठीक है, मजा आता है ना तुम लोगों को। अगर नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो गाइस यार ये वीडियो थी यहीं तक के लिए। आई होप आप लोग को अमंग द स्लीप का पार्ट 2 पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो तुम्हें पता ही है भाई, तुम समझदार हो, हरामी ऑडियंस हो मेरी, तुम्हें पता है क्या करना है। लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो बिना करे अगर तुम चले गए तो मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। कुछ ऐसा होगा, तुम जब अपनी क्रश को प्रपोज करोगे वो तुम्हें भाई बोल के चली जाएगी। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है पुराने जक। ठीक है यार हटाओ। तो गाइस यार आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो मैंने बता ही दिया है क्या करना है, दोबारा मैं बताने नहीं वाला। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। और अगला वीडियो क्या होने वाला है ये गेस करके कमेंट में लिखो अभी के अभी। और जिसने सही कमेंट करा उसको मिलेगा घंटा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बस कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।